थोड़ी सी झलक मैंने आपको दिखा दी कैसी लगा मेरा कॉलेज किस बात की गर्ल्स कॉलेज में आने की इस तरीके से हालात आप कह रहे क्या गंद बना मचा रखा तो भाई गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है गाइज क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो जगह जो सपना होता है हर बच्चे का देखने का। आप सोच रहे हो गए ऐसी क्या जगह है तो उसके लिए आप ब्लॉग को एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा मैं इतनी अच्छी जगह गई हूँ। मतलब लाइक मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ जा पाऊँगी क्योंकि मेरा सपना था क्योंकि मैं स्टडीज़ की इतनी बड़ी वाली फ़ैन हूँ तो इसी वजह से ये मेरा सपना था जो मेरा आज पूरा हुआ है। हेलो गाइज वेलकम टू अर न्यू ब्लॉग आपका स्वागत है इसी दुनिया में। पाप अच्छे होंगे कैसे होंगे अलहमदिल्ला सब ठीक है जो नहीं चाहते हेलमेट हटाओ लाइक करें सब्सक्राइब करें अरे हेलमेट हटाओ हद हो गई। तो गाइस मैं आई हुई अपने कॉलेज में और आपको भी दिखाती हूँ मुझे असाइनमेंट्स वगैरह के लिए आना था बात करने के लिए असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए भी तो मैं अपने कॉलेज आई हूँ। मेरा कॉलेज का नाम है माता सुंदरी कॉलेज। चलिए चलते हैं अंदर। ये रहा मेरा कॉलेज और ये रहे मेरे मियाँ जी। क्या हो गया क्या हो गया किस बात की गर्ल्स कॉलेज में आने की इनको खुशी हो रही है बहुत तेज हो रहा है। गाइस यहाँ से आगे जाने के लिए ना हस्बैंड को मना कर दिया कहा कि सिर्फ आप जा सकते हैं क्योंकि वुमेन कॉलेज है इसी वजह से। तो चलो मैं चलती हूँ अंदर। सो गाइस असाइनमेंट्स वो कह रहे हैं अभी 15 दिन लगेंगे आप 15 दिन तक वेट करें तब तक मार्क्स अपग्रेड हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको ना अपना कॉलेज का लुक दिखाती हूँ अभी और हस्बैंड कर रहे हैं बाहर वेट। 1000 years later ना बच्चियां सारी प्रैक्टिस वगैरह कर रही हैं। अभी ज़्यादा अंदर वगैरह मैं जा नहीं रही क्योंकि हस्बैंड बाहर वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा उसी झलक मैंने आपको दिखा दी कैसी लगा मेरा कॉलेज ज़रूर बताइएगा। मैं खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ अपने कॉलेज में। मतलब मैं जब कोरोना की वजह से आ नहीं पा रही थी ना तो ऑनलाइन ही हो रही थी क्लासेस बट आज मैंने खुद भी अपना कॉलेज फर्स्ट टाइम देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। चलने चलते हैं बेचारे बाहर बैठे हुए वो सोचे थे मज़ा आ जाएंगे गर्ल्स कॉलेज में इनको बाहर बिठा दिया चले देखते हैं। हाँ भाई आप खुश हो रहे थे गर्ल्स कॉलेज के नाम से बाहर ही बैठ गए इन अंदर मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का हंस चुप हो जाते खुश हो रहे थे कि कॉलेज गर्ल्स कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा और बेचारों को अंदर जाने ही नहीं दिया ये तो होगा ये तो होगा। अभी वो लोग कह रहे हैं कि 15 दिन तक असाइनमेंट मार्क्स आ जाएंगे नहीं आए तो आइएगा और एक हफ्ते तक आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे एग्जाम्स वो क्लासेस के उसको भी एक हफ्ते में पूछो सब एक हफ्ते में होगा 15 दिन का असाइनमेंट होगा क्लासेस का एक हफ्ते में चलेगा। हेलमेट टूट गया अरे गाइस मैं वापस स्टॉल कुछ भी अरे कुछ तो उड़ा सो गाइस रास्ते में आते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और दिख गई हमें ये जूस की शॉप तो हम रुक गए गन्ने का जूस पहली गर्मियों का फर्स्ट टाइम पिया मतलब इस गर्मियों का पहली बार अभी पिया है और इतना मज़ा आया इतना टेस्टी लग रहा था मतलब गर्मी थी ना गर्मी में और अच्छा लग रहा था तो मैं तो 2 ग्लास पी गई थी। सो गाइज आज कुछ किचन के इस तरीके से हालात आप कह रहे क्या गंद बना मचा रखा तो गाइज गंद बना नहीं है सफाई पना है। आज मैं अगर कर रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग सब सामान निकाल के सारी क्रॉकरी वगैरह सब धो के रख रही हूँ और ये देखें सारा और ये मैंने सेट तो कर दिया इधर यहाँ पे ना माइक्रोवेव बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया है मैंने क्लीन ये देखें माशाल्लाह से बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था यू नो तो
ये इस तरीके से यहाँ पे इस बार मैंने ऐसे करके लगा दिया, वरना ये इधर मुंह खुलता है उधर खुलेगा, यानी कि कोई नहीं कुछ दिनों तक के नहीं कर देते। और ये सब क्रॉकरी देखो सब कितनी गंदी हो रही थी रखे रखे ऊपर, तो ये सब देखो धो धो के सारा रख रही हूँ। तो ये सब क्यों कर रही हूँ ये आप जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, करा गैस नहीं करा तो मैं बताती हूँ। सो गाइस मैं क्लीन इसलिए कर रही हूँ किचन, क्योंकि आने वाले हैं रमजान और उससे पहले आने वाले हैं शब कदर, तो मैं उससे पहले अपने किचन को घर को बहुत अच्छे से सजाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है रमजान तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मेहमान आते हैं तो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं, तो इसीलिए घर को साफ सफाई वैसे तो रखते ही, पर डीप क्लीनिंग मैं इन्हीं टाइम में करती हूँ किचन की या घर की, तो इसी वजह से मैं कर रही हूँ सब क्लीन। और अगर लेडीज़ आपने तैयारी नहीं करी है रमजान की शब कदर की तो जल्दी से जाएं, जल्दी से करें, जल्दी से अपना घर चमकाएं और देखें कितना अच्छा लगेगा। वैसे तो सब करती होंगी मैं क्या बता रही हूँ, लेकिन अब नहीं करा है तो मैं रिमाइंडर दे देती हूँ रमजान आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप भी अपना रूम क्लीन, किचन क्लीन, सब डीप क्लीन धीरे धीरे करते रहेंगे ना तो जब तक हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा धीरे धीरे। तो अभी तो मैंने यहाँ ऊपर ऊपर का एरिया करा, फिर मैं कल जो करूँगी ये वाला एरिया करूँगी, तो चलिए करते हैं। तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा मेरा किचन, मतलब सफाई हो जाएगी, मैं आप लोगों को जरूर उसका रिव्यू देना, बाकी मैं दिखा दूंगी आपको भी कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलो जल्दी से सफाई कर दूँ। और पता है रात के कितने बज रहे, 11 बज रहे हैं, ये लोग तो अपना मस्त टीवी में लगे हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं है बीवी का है, क्यों पता होगा इनको, तो मजा आ रहा है टीवी देख रहे हैं मस्त। चलो जल्दी से सफाई करती हूँ। है मेरा क्लीन और आप देखने के तैयार हैं, देखें कितने अच्छे से मैंने सजाया है, ये देखें से माशाल्लाह गाइस, प्लीज से माशाल्लाह, मैंने बहुत मेहनत करी है क्योंकि इसे संगवाने में सफाई में। अच्छा जी यहाँ पे मैंने क्या करा है, मेरी एक कैटल उधर कॉर्नर में रखी रहती थी, यूज़ में नहीं आती थी, सड़ रही थी बिल्कुल ही, मैंने कहा क्यों ना इसे यूज़ में लिया जाए। ये मेरे ना दहेज का ही है, मतलब शादी में था, आया था मेरी तो मम्मा ने दिया था मेरी, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रही क्योंकि इसे सेहत के रख रखा है, अब 8 साल हो जाने वाले हैं, 7-8 साल हो चुके हैं शादी को, मैं सोचा अब तो इसको टाइम आ गया है, मतलब गेस्ट आते ना बस ये तभी निकलते थे तो मैंने कहा नहीं अब मैं इसको डेली वेयर में लूँगी, मतलब गैस भी और हम सब एक ही होने चाहिए ना, क्यों अपने आप को कम समझना। तो इस तरीके से मैंने इसके ना यहाँ पे मैं सारे ना अपने जितने भी फ्राई पैन वगैरह थे वो सब मैं यहाँ लटका के रखती थी, तो बड़ा उबड़ खाबड़ से लगता था सम टाइम्स। तो अब मैंने ना ये कप्स लगा दिए जो कि मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं अपने किचन को इतना एडमायर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और माइक्रोवेव मैंने लगा दिया है ऐसे करके, देखो आप किचन इसे कितना लंबा लग रहा है, ये पहले ऐसा होता था ना तो यहाँ तक तो वो आता था माइक्रोवेव ऐसा, और इतनी सी स्लैब मिलती थी, लेकिन अब पूरा खुला मिल पा रहा है और ज़्यादा माइक्रोवेव का मेरा कोई काम भी नहीं होता, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मेरा टी सेट पूरा, यहाँ पर यहीं पर ही टी सेट है, यहीं पर मेरी शुगर और टी है, और इधर ये टोस्टर, मतलब पूरा ये सेक्शन ना ब्रेकफास्ट सेक्शन हो गया कि आपको ब्रेकफास्ट के लिए कहीं से कुछ नहीं लेना, सब यहीं पे ब्रेड बटर सब यहीं पर। तो ये कॉर्नर बहुत ही बढ़िया बन गया है। और बाकी यहाँ मैंने सारा क्लीन करके बॉक्सेस लगा दिए, थोड़ा सजाया नहीं है यार, थक गई हूँ, इंशाल्लाह सजाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। ये हो चुका है, सब हो चुका है, ऊपर का नीचे का पार्ट रह चुका है, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो दिखाऊँगी, वो तभी बताऊँगी आपको कि क्या करा है। अभी मैं नीचे का बिल्कुल छोड़ा, हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएगा कैसा लगा आपको मेरा न्यूली किचन संगवाया वाला डिजर्व, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगने वाला है ना, प्लीज़ कमेंट करिएगा, डू कमेंट। सो गाइज आज की व्लॉग में बस इतना ही, होप आपको अच्छा लगे। तो गाइज मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, पहले मैं एंड करने से पहले देखो मुझे याद आया, प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं गाइज बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हूँ, लेकिन ना कुछ दिनों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज़ मैं आपको दे नहीं पा रही जो आप लोग को चाहिए। तो इफ़ अगर आपको कोई आइडिया हो किसी भी तरीके का व्लॉग शूट करने का या कुछ प्रैंक वीडियो कुछ भी हो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये चीज़ करें, तो मैं ट्राई करूँगी बिल्कुल वो करने का। और आप ज़रूर बताना आपको कैसे लगा मेरा किचन, ज़रूर ज़रूर बताइएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।